अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सबकी मुनज़िंदर बाशेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आज मैं और शहजान ने प्लान किया है कि हम जाकर एक न्यू एयर कंडीशनर लेने वाले हैं, बिकॉज बाहर हॉल का जो एसी है ना, वो बहुत बार बार ख़राब हो रहा है। जो ऐसा होता है ना, जब बार बार ख़राब हो रहा है तो अगर वो इतना बैक टू बैक खर्चा आ रहा है, तो इससे बेटर है कि हम नया एसी ही ले लें। लेकिन घर पर हमने बाहर मम्मी डैडी को नहीं बोला, उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बिकॉज वो लोग भी एसी बार बार बंद होने की वजह से ना परेशान हो रहे थे। तो मैंने और शहजान ने ऐसा सोचा कि हम जाकर एसी बुक कर देते हैं आज। लेकिन ये व्लॉग मैं बाद में डालूंगी, बिकॉज मैं अभी व्लॉग डाल दूँगी तो मम्मी डैडी देख लेंगे। और इंस्टॉलेशन के लिए ऑलमोस्ट 4 दिन है, 2 दिन वो लोग बोलते 2 दिन के बाद तो आता है, और फिर इंस्टॉल करने के लिए 2 दिन, तो वो फिर पता चल जाएगा, सरप्राइज़ का कुछ मतलब ही नहीं होगा। सो चलिए फिर आप लोग देखिए, और मैं थोड़ी शॉपिंग भी करने वाली हूँ, तो चलो देखो, आओ एंजॉय करो मेरे साथ, ओके? हमेशा हर वीडियो मेरे साथ एंजॉय करो। चलो, आज मैं बना रही हूँ एग ग्रेवी। ये प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, फिर इसे हम पीसेंगे। और ये अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं, और इसे भी छील कर रख देना है। मैंने जार में 3 टमाटर काट के रख दिए हैं, इसे भी पीसना है, और इसे निकालना पड़ेगा। क्या है और ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है, ये जैसे होगी तो मैं इसी में ही मिक्स करके पीस दूंगी एक साथ ही। और मैं यही बोलना चाहूँगी, सबके अलग अलग तरीके होते हैं पकाने के, ये मेरा पकाने का तरीका है, तो बस फिर आप लोग देखते रहिए, बनता तो एंड में टेस्टी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारा टमाटर प्याज का पेस्ट रेडी हो गया है, अभी मैं इसी में ही वापस इसको पका लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट भी डालूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मैंने इसमें ऐड किया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसे अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को। एक टमाटर पीसा है, देखो। अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, और मैंने इसी में ही पानी ऐड करके डाला है, ताकि वो बाकी का भी पीसा हुआ सब इसके अंदर आ जाए, बट अभी भी नहीं आया है, तो इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी। अभी इसे स्लो आंच पे पकने देते हैं, और अंडे छील लेते हैं। और ये हम बना रहे हैं खिचड़ी। सो मैंने अंडे भी छील दिए हैं, और ये खिचड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस अभी इसे ढक कर स्लो पर हम अच्छे से पकने देंगे राइस को। और ये हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। कभी भी अंडा पहले नहीं डालना, वरना पूरा अंडा अंदर पक के पिघल जाएगा। सो पहले ग्रेवी अच्छे से रेडी कर लो, और उसके बाद ये अंडे काट के अंदर डाल देना। मैंने अंडों को ऐसे 2 पार्ट्स में कर दिया है, हमारी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट कुक्ड है, तो अब हम अंडा डाल देते हैं, और इसे 2 मिनट थोड़ा ढक कर अंडे में मसाला लगने के लिए पकने देते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा टाइम है। सो अभी मैं लगा रही हूँ कड़ी पत्ते का तड़का इसमें, आप लोग इसको चाट में भी डाल सकते हैं। थोड़ा बाद में इसमें जीरा ऐड करना, ये देखो ये तड़का है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। अभी भी थोड़ा पका नहीं है, कड़ी पत्ता थोड़ा अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तो ही मज़ा आएगा गरम गरम। अभी हम इसे डाल देंगे। ढक देना, ताकि वो अच्छे से मसाला, जो तड़का है उसकी अच्छी खुशबू आएगी। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, इस पर मैंने अभी कोथमीर डाल दी है काट के, बस दैट्स इट। अंडा ग्रेवी, हमारी खिचड़ी भी रेडी हो गई है। ये येलो वाली खिचड़ी नहीं है, ये वाइट खिचड़ी है, और ग्रेवी भी डन। चलो, खाना पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं नीचे उतर गई हूँ, और इससे थोड़ा काम है, शहजान के साथ जाना है, कल एक इवेंट में जाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, तो मैं उतरी हूँ। और मम्मी ने को मम्मी अपने काम से कहीं जा रहे हैं, इनकी रेसिपी की तैयारी करने, वो उनके ब्लॉग में देखना है। ओहो, अंदर आ गया, अभी शहजान से मिलाती हूँ। सो शेजी हमको मिल गए हैं, पूरे सुबह से रात तक मुझे मिलते नहीं है,
और ये देखो मुंबई की ट्रैफिक अल्लाह ही रहम करे। दोपहर के खाने के बाद से हम जा नहीं नहीं मेरे लिए सुबह से गई समझे तुम okay. तुम एक घंटा भी मेरे से एक घंटा क्या एक मिनट भी दूर रहते तो मुझे ऐसा जमाने लगता है। ओके एज यू से सो। चलो शहजी अभी कहाँ जा रहे हम लोग पहले बोलो मेरी शॉपिंग करने ना। चलो अभी हम लोग इन्फिनिटी मॉल आ गए हैं और सोच रहे हैं कि एसी ले ले घर के लिए बिकॉज तो आज हम हैं बहुत ब्लॉगर के साथ मंजरी दरबार। अरे शहजी शर्मिंदा मत करो। मैं बोल रही थी हम लोग एसी लेने आए इधर पर तो क्योंकि बहुत टाइम से बाहर हॉल का एसी बहुत टाइम हो गया उसको तो ना वो काम देते जा रहा है अभी हाँ। और उसने एसी और वाले नहीं बोला नहीं बट एसी वाले नहीं बोला है कि अब आज बोला जब मैं नहीं था इसको बोला तो डैडी को कि अब ये कभी भी मतलब इसका वेंटिलेटर पे अच्छा मम्मी का डायलॉग था ये कभी भी सांसें इसकी थम जाएगी। मेरी सासू माँ बोल रहे थे कि ये वेंटिलेटर पे है एसी वाला और हमारा एसी वाला डॉक्टर है तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम अभी एसी ले ही लेते हैं कि ये 1000-1500 खर्चे में एक नया एसी आ जाए। और कितना दिन हुआ था गैस भरवा के सर एक हफ्ता 10 दिन है ना और वापस खराब हो गया। अरे अरे शहजान को क्रिकेटर बनना था बट इन्फ्लुएंसर बन गया। एक वक्त आता है मेरे को क्रिकेट का भी भूत चढ़ा था स्कूल टीम में सेलेक्ट हुआ बैट ले रहा हूँ सोचा अब मेरा इसमें ही रहेगा मैं क्रिकेटर ही बनवा फिर एक वक्त आया बहुत आवाज है बाद में चलो बाद में शहजान स्टोरी बताएंगे अपनी। चलो हम लोग अब पहुँच गए हैं अभी अंदर लोग जल्दी वीडियो लेने देते नहीं है। ओके तो यहाँ पे विजय सेल्स है इधर पहुँच गए हम लोग लेंगे इंशाल्लाह ऐसे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ते सही बात है। चलो लेट्स गो एसी के डिपार्टमेंट में सामने ही है और हमारे शोहर के आगे निकल गए। शहजान अभी एसी चेक कर रहे हैं। एक्चुअली कभी भी अभी एसी वाले ने हमको एक वो दिए हुए क्या बोलते हैं आइडिया कि कभी भी एसी लो तो इन्वर्टर लो इससे बिल भी कम आता है मतलब वो पावर कम खींचते हैं उस पर लिखा ही है देखो सेव मनी एवरी डे। व्हाट हैपेंड शेजी शहजान थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं मतलब कम प्राइस में अभी शहजान को बता रहे हैं कि कौन से एसी का क्या फायदा है और कौन सी बेटर है 19-20 प्राइस का फर्क है खाली कौन सी हम लोग मोस्टली डाइकिन ही सोच रहे हैं शहजी मेरा भी मन बोल रहा है क्योंकि मुझे सच बोलो मैंने कभी ब्लू स्टार नहीं सुनी हाँ मतलब मैंने नहीं सुनी मैंने पैनासोनिक एलजी सैमसंग और डाइकिन नहीं सुना चलो फिर देखते हैं और गोदरेज भी सुनो गोदरेज पहले चलता था अब नहीं है। चलो ठीक है शहजान शर्मा रहे कितना है सोच रहा कैमरा कॉन्शियस हो रहा है आज पहली बार। चल ओके सो फाइनली हम लोग का एसी डन हो गया है हम लोग ने डाइकिन की ही ले लिए शिपिंग एड्रेस लिख रहा हूँ डिलीवर कराने अभी शहजान एग्जाम के फॉर्म फिल कर रहा है हो गया ना चलो फिर ओके फाइनली वी आर डन शहजी खुश है ना बहुत टाइम के बाद एसी लिए ना चलो अच्छा वही चल रहा था अच्छा वही अब एंड में थोड़ा गड़बड़ हो हाँ सो ये है विजय सेल्स एक्वा गार्ड भी लेना था ओ सॉरी हाय हाय हेलो थैंक यू चलो अरे एसी का है शेजी नहीं एक मजाक एसी का है हाँ ऐसे खाली हाथ निकल गए तो चलो ठीक है चलो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो शेजी शुक्रिया जजाक अल्लाह खैर हमें ठंडी ठंडी हवा देने के लिए। ओके अभी हम जा रहे हैं लोखंडवाला बिकॉज अभी मुझे थोड़ी मेरी शॉपिंग करनी है जैसे मैंने कहा कि मुझे इवेंट में जाना है बट ये वीडियो मेरा बाद में आएगा बिकॉज एसी एक्चुअली 4 दिन के बाद इंस्टॉल होगी और मुझे हाँ मुझे घर वालों का रिएक्शन लेना है मुझे शहजान को लेकिन वो मेरे वीडियो में आएगा तो
क्या बोल रही थी मैं, ठीक है तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आज मैं फ्रेम में सिर्फ शेजी को ही लूंगी। आप और साथ में बोले यार। तो अभी मैं जा रही हूँ इधर, या तो इधर मिला नहीं तो आगे जाके शॉपिंग करूँगी। यस, अंदर अलाउड नहीं, खाली खोल दो। कुछ पसंद आता कि नहीं आपको? अब बहुत अच्छा लगा। बहुत मस्त है, लॉन्ग है, अच्छा है, मस्त लग रहा है। और है ऐसे ऑप्शन भाई? ये वो पीछे दिखा रहे हैं, ये हाफ स्लीव्स नहीं लेकिन फुल ही चाहिए। हां फुल स्लीव्स नहीं, फुल स्लीव्स। इसमें बताइए ना जैकेट भाई, शर्ट वर्ड बताओ ना। गर्मी में मुझे जैकेट पहनवा रहे। लॉन्ग शर्ट आते ना, या एक ऐसे लॉन्ग कुर्ती या कुछ। वो शॉप में तो नहीं मिला। अभी आए हैं सैंडल लेने। कैमरामैन कहाँ गए हो भाई? अच्छा, अभी मैं कैमी वेफर्स में आई हूँ, मुझे ना पेड़े लेने थे। शहजान थोड़ा आगे अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने बोला मैं आगे जाके थोड़ा ले लेती हूँ। एक सेकेंड ना, तो ये वाले पेड़े लेने, राजकोट पेंडा। सो ये राजकोट पेड़े लिए हैं मैंने। और सोच रही हूँ शहजान के लिए दूध का हलवा भी ले। ये दूध का हलवा ही है ना? हाँ, कलाकंद, मतलब कलाकंद। ठीक है, कलाकंद लेती हूँ। और दो पीस है ना गुलाब जामुन के, दे दो ये वाले। रसगुल्ला है? रसगुल्ला नहीं है। और कोई हो गया? और क्या बोले हैं? पेड़ा बोली। और ये कलाकंद मुझे टेस्ट तो कराओ कैसा है। आठ पैकेट, आठ पीस। और ये तीन पीस ही देना मुझे बस। और थोड़ा इसका रस्सा भी डाल दो। सो ये शहजान का फेवरेट हमने कलाकंद ले लिया है। आई मीन मैंने, हम तो कोई है नहीं मेरे साथ। और ये मेरे तीन गुलाब जामुन पैक हो रखे। इधर भाई दिखाओ मेरे गुलाब जामुन। हाँ सही है। यहाँ पे सबसे फेमस कौन सी मिठाई है? काजू कतली है, अंजीर मावा बर्फी। कहाँ है काजू कतली? खत्म हो गई है? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, ओके शुक्रिया। सो सोच रही हूँ थोड़ा काजू कतरी भी ले लूँ। सो पार्सल ले लिया, शुक्रिया भाई। अब मैं जा रही हूँ शहजान के पास। हमारे मियाँ अंदर शॉपिंग कर रहे हैं। देखो शहजान के चेहरे पे खुशी, शॉपिंग कर रहे थे मुझे छोड़कर। ये अच्छा लग रहा है शहजी? ये अच्छा लगा मुझे। और येलो तुम्हारे पास अभी ना? ओ मेरी आवाज कैमरे में कैसी लग रही है, एकदम भूत जैसी। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है येलो। नाइस, आई लाइक इट। लेकिन लुक की स्लीव्स थोड़ी अलग है, न्यू स्टाइल है, शॉर्ट है स्लीव। नहीं अच्छा ही है ना? नहीं थोड़ा डल है। हां दिखा दो इतने। हां शेजी अभी अंदर चेंज कर रहा है, मैं बाहर खड़ी हूं इंतज़ार कर रही हूँ। मुझसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं शेजी। ओह ओह अरे अरे शेजी मेरा पूरा कैमरा ब्लॉक कर दिया। दिखाओ, दूर जाओ ज़रा, दूर जाओ दूर। हाँ इधर आओ इस तरफ। नाइस, अच्छा लगा मुझे। तुमको अच्छा लगा? जाओ। अभी हम लोग आम लेने के लिए रुके हैं और फिर घर। बाप रे बहुत थक गए आज तो, हालत खराब हो गई। यस, मिल ही नहीं रहा था साइंस फेयर को। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया फाइनली, आपको बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ाने की बिल्कुल ताकत नहीं थी, तो वीडियो अगर यहाँ तक भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, शहजान शेख एंड मुजीन दरबार शेख। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।